आज का हमारा टॉपिक है द स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। अभी तक जो हमने प्रीवियस टॉपिक पढ़ा था उसके अंदर हमने जो कॉन्सेप्ट डेवलप किया था दैट वाज अबाउट द रिवर्सिबल रिएक्शन एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। अब हमने केमिकल इक्विलिब्रियम के चैप्टर में रिवर्सिबल रिएक्शन को आगे लेके चलना है। और रिवर्सिबल रिएक्शन की कंडीशन अगर आप देखें, इफ़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन को अगर ए प्लस बी दे आर रिवर्सिबली रिएक्टिंग टू प्रोड्यूस सम प्रोडक्ट एक्स, तो अगर मैं इसको कंटिन्यूसली चलने दूं इस रिएक्शन को, तो थोड़ी देर के बाद या कुछ अरसे के बाद क्या होगा कि आपके पास जो रिएक्शन मिक्सचर है, रिएक्शन मिक्सचर अगर ये एक सिस्टम है जिसके अंदर रिएक्शन हो रहा है, तो इसमें से अगर मैं रिएक्शन मिक्सचर लूँ और मैं उस रिएक्शन मिक्सचर की कंसंट्रेशन जो सी हैं चेक करता रहूं, उस रिएक्शन मिक्सचर को देखता रहूं कि उसके अंदर ए कितना है, बी कितना है और एक्स कितना है, तो कुछ अरसे के बाद, एक ख़ास अरसे के बाद मुझे रिएक्शन मिक्सचर में ए बी और एक्स की जो सी है वो सेम कंपोजिशन मिलना शुरू हो जाएगी। मतलब क्या है? मतलब ये है कि मैंने ए और बी को रिएक्ट करवाया, एक्स बनना शुरू हो गया। शुरू में मैंने जब रिएक्शन मिक्सचर से सैंपल लिया और चेक किया कि इसके अंदर क्या क्या मौजूद है, तो उसके अंदर ए और बी ज़्यादा मौजूद थे, एक्स कम मौजूद था। फिर आहिस्ता आहिस्ता रिएक्शन आगे चलता गया, ए और बी के कम होते गए, एक्स की वैल्यू बढ़ती गई। लेकिन एक ख़ास टाइम के बाद जब ये केमिकल इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा, तो फिर आप जब भी रिएक्शन मिक्सचर से सैंपल लेंगे, ए बी और एक्स की आपको सेम कंपोजिशन मिलेगी। देयर विल बी नो चेंज इन कंपोजिशन ऑफ दी रिएक्शन मिक्सचर। जब ऐसा होना शुरू हो जाए, व्हेन यू स्टार्ट फाइंडिंग नो चेंज इन कंपोजिशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर, तो इसका मतलब है कि आपके रिएक्शन ने क्या अटेन कर लिया है, इक्विलिब्रियम को अटेन कर लिया है। इसको आप इस तरह से समझें कि फॉर एग्जांपल वी हैव टू रिएक्टेंट्स ए एंड बी विच आर इन गैसियस फॉर्म्स, दे रिएक्टेड टुगेदर टू फॉर्म सी प्लस डी। अब जब आपने रिएक्शन को शुरू किया तो ए और बी की क्वांटिटी ज़्यादा थी, सी और डी ज़ीरो थे। आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि इनकी क्वांटिटी, इनकी कंसंट्रेशन कम होती गई, ये रिएक्ट करेंगे कम होना शुरू हो जाएगी और सी और डी की जो है कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। और फिर एक वक्त आएगा कि इनकी कंसंट्रेशन जो सी है वो इनकी कंसंट्रेशन के साथ इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। तो वो होता है आपके पास केमिकल इक्विलिब्रियम। क्योंकि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम वो टाइम है व्हेन रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन जब ए और बी मिलके सी और डी जितना बना रहे हैं वो बराबर हो जाए रिएक्शन इन बैकवर्ड डायरेक्शन के, सी और डी उतना टूट के ए और बी बनाना शुरू हो जाएं, तो वो कंडीशन क्या होगी? वो कंडीशन कहलाएगी हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम की। इसको अब अगर मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो वो कुछ ऐसा होगा, इफ़ आई हैव दिस वाई एक्सिस एंड दिस एक्स एक्सिस, और अगर मैं एक्स एक्सिस पे लेता हूँ टाइम और मैं कहता हूँ जी इस डायरेक्शन में जो है मेरे पास कंसंट्रेशन जो है वो डेवलप हो रही है। अच्छा जी, अब ए और बी की कंसंट्रेशन, यहाँ पे मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ फिर से, ए प्लस बी रिवर्सिबली रिएक्टिंग विद सी प्लस डी। अब ए और बी की कंसंट्रेशन शुरू में ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि शुरू में आपके पास रिएक्टेंट, रिएक्शन मिक्सचर में ये चीज़ें मौजूद हैं।
अब रिएक्शन स्टार्ट होगा जैसे ही इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है से ये पॉइंट जो है ए और बी का कंसंट्रेशन है। यहाँ पे एक और छोटा सा पॉइंट है, जब भी मैं कंसंट्रेशन मेंशन करना चाहूँगा ए की तो मैं उसको स्क्वेयर ब्रैकेट्स में लिखूँगा लाइक दिस, कि ये ए की कंसंट्रेशन है, ये बी की कंसंट्रेशन है। सिमिलरली सी को और डी को भी जब मैं उनकी कंसंट्रेशंस मेंशन करूँगा तो आई विल राइट इट इन द टर्म्स ऑफ देयर स्क्वेयर ब्रैकेट्स। तो ये आ गई मेरे पास ए और बी की कंसंट्रेशन जो कि ज़्यादा है। फिर क्या हुआ, रिएक्शन चलना शुरू हुआ, आहिस्ता आहिस्ता ए और बी रिएक्ट करते गए, सी और डी बनते गए। तो ए और डी की टाइम के साथ साथ कंसंट्रेशन कम होती गई और कुछ आपके पास इस तरह का ट्रेंड आ गया कि जैसे जैसे टाइम बढ़ा इस डायरेक्शन में कंसंट्रेशन जो है वो ऊपर से नीचे आती जा रही है, वो कम होती जा रही है। अब जब रिएक्शन टाइम ज़ीरो था, जब रिएक्शन अभी शुरू होना था, तो सी और डी तो बिल्कुल नहीं बने थे क्योंकि अभी रिएक्शन शुरू होना था, प्रोडक्ट तो अभी नहीं बनी थी, तो इनकी कंसंट्रेशन यहाँ पर थी सी और डी की। जैसे जैसे रिएक्शन स्टार्ट हुआ, ए और बी कन्वर्ट हुए सी और डी में, इनकी कंसंट्रेशन बढ़ती गई और इसका ट्रेंड कुछ ऐसा आ गया। अब आप इसको अगर देखें तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, ए और बी की कंसंट्रेशन कम हो रही थी, सी और डी की कंसंट्रेशन बढ़ रही थी, लेकिन अगर मैं इस पॉइंट को मेंशन कर दूं आपके ऊपर, तो इस पॉइंट के ऊपर अब ये मज़ीद इसके बाद, इस पॉइंट, ये जो लाइन मैंने लगाई है, इस पॉइंट के बाद दे आर मूविंग एट द सेम डायरेक्शन, ये पैरेलल मूव कर रहे हैं एक्स एक्सिस के। मतलब कि ये पहले तो बढ़ रही थी, यहाँ पर आके बढ़ना बंद हो गई, ये कम हो रही थी, यहाँ पर आके कम होना भी बंद हो गई। तो दिस इज़ द पॉइंट ऑफ टाइम के इस टाइम के बाद जो है आपका केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो अटेन हो गया है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम कब आता है, जिस वक्त आपके पास इनकी कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स बिकम पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो आप कहते हैं कि आपके पास इक्विलिब्रियम जो है वो अटेन हो गया। इसको मैं अब दोबारा से एक दफ़ा बता दूं, ए और बी रिएक्ट किए सी और डी बनाने के लिए। जब रिएक्शन शुरू हुआ टाइम ज़ीरो था, ए और बी की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी क्योंकि सिर्फ यही मौजूद थे। रिएक्शन स्टार्ट हुआ, ये खुद यूज़ होना शुरू हुए और आहिस्ता आहिस्ता कम होता गया, जैसे जैसे टाइम कम होता गया ये इसका ट्रेंड जो है हमें मिल गया। सी और डी जब टाइम ज़ीरो था, प्रोडक्ट्स की चीज़ें हैं, प्रोडक्ट्स जो है अभी नहीं बने थे, तो शुरू में ये ज़ीरो के करीब था, यहाँ पर था। जैसे ही आपने इसको शुरू किया रिएक्शन, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती गई बढ़ती गई और ये इस तरह का इसका ट्रेंड आ गया। फिर एक ऐसा टाइम आया कि सी और डी की कंसंट्रेशन बढ़ना बंद हो गई और ए और बी की कंसंट्रेशन कम होना बंद हो गई, तो उस पॉइंट को हमने कहा कि अब आपके पास सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में है। और अब इस पॉइंट के बाद मैं अगर रिएक्शन मिक्सचर से कोई सैंपल लूँगा तो उसमें मुझे ए बी सी और डी की जो सी क्वांटिटीज़ हैं वो इक्विलिब्रियम में नज़र आएंगी। तो ये होता है आपके पास जो है केमिकल इक्विलिब्रियम का रिएक्शन। सिमिलरली हम एक और एग्जांपल को स्टडी करते हैं जिसके अंदर आपके पास हाइड्रोजन गैस जो है वो आयोडीन गैसियस फॉर्म में मिलती है एट 425 डिग्री सेल्सियस, और आपके पास हाइड्रोजन ऑक्साइड जो है, आयोडाइड जो है वो मिल जाती है। तो दिस इज़ द रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। तो इसको अगर मैं ड्रॉ करूँ आपके पास उसी तरह एक्स एक्सिस पे एंड वाई एक्सिस पे, तो दिस इज़ द एक्स एक्सिस जिसके ऊपर टाइम है, दिस इज़ द वाई एक्सिस जिसके ऊपर आपके पास कंसंट्रेशन मौजूद है। शुरू में जब रिएक्शन स्टार्ट होगा, हाइड्रोजन और आयोडीन की कंसंट्रेशन जो सी है वो हाई होंगी, ज़्यादा होंगी, और ये जैसे जैसे रिएक्शन शुरू होगा दे विल स्टार्ट कमिंग डाउन। आपके पास एच आई जो है, जो कि हमारे पास प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट रिएक्शन के स्टार्ट में बिल्कुल जब टाइम ज़ीरो था प्रोडक्ट भी ज़ीरो थी,
तो ये जीरो थी शुरू में, जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी और एक वक्त आएगा कि ये बढ़ती रहेगी, इस तरह का ट्रेंड आपको मिल जाएगा। तो जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, ये वक्त के साथ साथ कम होती गई, और इसी तरह आपके पास एच आई की जो कंसंट्रेशन है वो टाइम के साथ साथ बढ़ती गई। लेकिन फिर एक पॉइंट ऐसा आया कि ये लाइनें जो सी थी दे बिकेम पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस। तो यहाँ से जो बात पता ये लगी कि इस पॉइंट के बाद जो आपका सिस्टम है दैट इज इन इक्विलिब्रियम। तो इस तरह से आपको इक्विलिब्रियम कर्व की मदद से जो है हमें पता लग जाता है कि ये कितना टाइम लेगा ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आने के लिए। और इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या हो रहा है कि जितनी हाइड्रोजन और आयोडीन मिलके एच आई बना रही हैं उतनी ही एच आई वापस टूट रही है हाइड्रोजन और आयोडीन के अंदर। तो यहाँ से जो है हमारे पास जो सी है अभी तक की जो हमारी डिस्कशन थी उसको अगर हम कंक्लूड करना चाहें तो वी कैन कंक्लूड इट इन टू पॉसिबिलिटीज़। तो वो कहता है जी कि ये सिचुएशन हमें दो पॉसिबिलिटीज़ बताती है व्हेन द सिस्टम इज़ एट इक्विलिब्रियम। आपका सिस्टम जब इक्विलिब्रियम पे होगा तो देर आर टू पॉसिबिलिटीज़। नंबर वन, नंबर वन क्या है कि हमें ये पता लगा कि आपके पास ये जो कर्व थे इस तरह के, इसके बाद जब इक्विलिब्रियम आ गया तो अब रिएक्शन क्या है, रिएक्शन रुक चुका है। कोई भी चीज़ एक ही क्वांटिटी भी उतनी चल रही है, आपके पास ये रिएक्टेंट्स थे ये प्रोडक्ट्स है ना, तो रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी भी कम होनी बंद हो गई है, प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी भी ज़्यादा होनी बंद हो गई है। तो इससे पता चला कि इक्विलिब्रियम के ऊपर जो आपके रिएक्शन हैं ऑल रिएक्शंस दे स्टॉप या सीज, सीज का मतलब होता है रुक जाना। तो तमाम रिएक्शन जो उनसे हैं इक्विलिब्रियम पे रुक जाते हैं क्योंकि आपकी अब प्रोडक्ट बननी जो है वो बंद हो गई है। अगर ए प्लस बी मिलके एक्स प्रोडक्ट बना रहे हैं तो एक्स जब बनना बंद हो चुका है ना इक्विलिब्रियम के बाद, मजीद नहीं बन रहा, तो इसका मतलब है कि आपका रिएक्शन जो उनसे है वो सीज हो गया है। तो ऑल रिएक्शंस स्टॉप एंड सीज एट इक्विलिब्रियम, कि जब इक्विलिब्रियम की स्टेट आ जाएगी आपके पास जो सा है रिएक्शन होना बंद हो जाएगा एंड सिस्टम क्या हो जाएगा, सिस्टम विल बिकम स्टेशनरी। दूसरे जो पॉइंट हमें इससे पता लगा इस कंडीशन से, वो कंडीशन ये है कि आपके पास जो फॉरवर्ड एंड रिवर्स, द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन जो उनसे हैं हमारे पास इस कंडीशन के बाद अगर आप देखें तो ए प्लस बी अगर एक्स बना रहे हैं तो जितना ए और बी मिलके एक्स बना रहे हैं उतना ही एक्स टूट रहा है ए और बी में। तो पता ये चला कि पहली बात कि फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन अकर एट द सेम टाइम, साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक ही वक्त में। तो पहली बात तो ये पता चली कि फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन इक्विलिब्रियम के ऊपर एक ही वक्त में हो रहे होते हैं, और दूसरी बात क्या है कि दे आर अकरिंग एट द सेम रेट। उनके जो रेट है, रेट का क्या मतलब है कि जिस स्पीड से वो रिएक्शन हो रहा है, जितना ए और बी मिलके एक्स बना रहे हैं उतना ही एक्स टूट रहा है ए और बी में एट इक्विलिब्रियम, जब आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम के ऊपर होगा। तो यहाँ से इस कर्व से हमें दो बातें पता लगी, पहली ये कि इक्विलिब्रियम के बाद किसी भी किस्म का रिएक्शन होना रुक जाता है, जब सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में आ जाए सिस्टम स्टेशनरी हो जाता है। और दूसरी बात हमें ये पता चली कि फॉरवर्ड रिएक्शन एंड दी बैकवर्ड रिएक्शन दे बोथ आर टेकिंग प्लेस एट द सेम टाइम, दे आर टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली एंड एट द सेम रेट। जितना डायरेक्शन इसमें मूव करेगा उतना ही वो इस डायरेक्शन में
मूव करेगा। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट था अबाउट द इक्विलिब्रियम। तो यहाँ तक आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्ड हो गया अबाउट इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट जो है हम लॉ पढ़ेंगे जो कि इक्विलिब्रियम को गवर्न कर रहा होता है। तो दिस वाज अ टॉपिक अबाउट स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, कि इक्विलिब्रियम कैसे अचीव होता है।